बिहियां, जगदीशपुर और शाहपुर के अलावा पीरो कोलवर में भी अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर उनके समर्थकों के द्वारा या पूरे देश के लोगों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। अरे भूटान नरेश आए हुए थे, चीन के कुछ लोग आए थे, पता नहीं का यह व्यक्ति को था, उनके विषय में इतना कहा जाता। हमने अपना अभिभावक खोया है, गुरु खोया है और देश ने अपना भारत रत्न खोया है, और यही कहेंगे कि उनके बताए गए रास्ते पर हम लोग भारत के रत्न थे और उनके बताए गए रास्ते को हम लोग जतन से रखेंगे और उस पर चलेंगे। शाम को कैंडल मार्च भी होने वाली है, क्या अपील करने चाहेंगे जनता? कैंडल मार्च हो और हम सब लोग उसमें शामिल हों। एक नंबर में नल जल का उद्घाटन किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को हम यही कहना है कि हर घर को हम शुद्ध जल दें नल के द्वारा, इसलिए पूरे बिहिया में अभी 9 वार्डों में पहले 3 हो चुके हैं और 9 अभी काम चालू है, जिसमें कई हमने पहले भी उद्घाटन कर दिया। आज नंबर था 1 नंबर का, बट इसमें हम लोग लगभग 19,19,200 रुपये के लगभग इसका प्रकृत राशि है, जिसमें हम लोग लगभग 165 घरों में नल से जल की व्यवस्था करा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, क्या आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे बीच नहीं रहे, अब इसके बारे में क्या कहना है? कहना यही है कि पक्षी नेता हो या विपक्षी नेता, सभी लोग उनके साथ एकजुट है, आज भी है और कल भी थे, सब लोग उनके मार्गदर्शन पर चलते थे, हम भी चलते हैं, चलते रहेंगे, अब इसके आगे क्या कहें? किस जो कोई भी सुने इस बात को ऐसा करे कि सब लोग शुभ संदेश में शामिल हो। परिचय बताइए। हमारा नाम चंदन शर्मा, बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष बिहिया भोजपुर अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। बोलो बोलो महथिन माई की जय। आओ मंत्र मंत्र बोलो। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मंत्र बाबा मंत्र क्या बोलो। भैया सब ठीक है, बैठ जा। चलो 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 चलो। अच्छा अच्छा दवा छिड़ गई अच्छा दवा।
रेडियो चढ़ा दे बाबा तो बोले मैं भीष्म की तरह जब भीष्म अपना प्राण त्यागे, जब सूर्य महाराज उत्तरायण हुए और भीष्म सामने आए तो भीष्म ने अपना प्राण त्याग, उसी क्रम में वाजपेयी जी भी इंतजार कर रहे थे कि भारतीय राजनीति का उत्तरायण हो। उत्तरायण का मतलब भारत में हमारी सरकार बने, दुनिया में भारत का परचम लहरे, यही उनकी महत्वाकांक्षा थी जिसके पूर्ति होते वाजपेयी जी इस दुनिया से विदा। हम सभी उन अजर आत्मा को नमन करते हैं। किसने पहनाया जूता? चौबे जी, सुनी चौबे और गिरास जी और कैलाश मनोहर। बोला दक्षिणो बने गुरु मंत्र पढ़िया हो अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया, पूर्व प्रधानमंत्री, तो क्या कहेंगे आज उनके बारे में? हमने एक महान अभिभावक, राजनेता, देशभक्त खो दिया है। भाजपा के जन्मदाता अटल जी आज देश से चले गए, लेकिन जाते जाते अपने वंश विस्तार इतना बढ़ाए हैं कि जो उनका कार्य अधूरा है हम सब पूरा करें, यही संकल्प है। अपने तरफ खींचने की प्रयास किया, अंतः मंच से वाजपेयी जी ने उनकी सराहना किया और अपना अभिवादन। हमारा यह कदम कौन रहा कि हम लोग उनको देख पाए इतना जल्दी? उनकी दीवानगी करिए कि हम लोग बक्सर से रात में छपरा कार्यक्रम था, दिन में फिर रात में 6 बजे 6:30 बजे पटना में कार्यक्रम था। रमन पड़ा पंडित जी, भगवान के नाम से ले जाएगा नहीं बोला पार्टी से ऊपर उठती उन सब बातों को ध्यान में रखते थे, उससे हमें भी सीखना चाहिए कि हर कुछ बात जो है पार्टी बंधन में ही नहीं होती, कुछ अपने व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है, वो भी करना चाहिए, उनसे आत्मसात लेना चाहिए। वाजपेयी जी का जो संदेश है समरसता का सब लोगों के लिए, हम सबको इसे सीखना चाहिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है वाजपेयी जी की। यह सच्चा सपूत भले ही इस दुनिया से चले गए, लगभग प्रधानमंत्री का देहांत हो गया, क्या उनके करना चाहेंगे? हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है, हम सभी कार्यकर्ता निःशब्द हैं, हमारे पास शब्द नहीं है। वाजपेयी जी पूरे दुनिया के नेता थे, उनके निधन से राजनीति सहित पूरे देश में जो खालीपन आया है उसको भविष्य में भरा नहीं जा सकता है। वाजपेयी जी एक नेता ही नहीं, प्रखर कवि भी थे, सबके दिल में समाहित रहने वाले एक सुहृदय राजनेता थे, जिनका कोई विरोधी नहीं था, आजाद शत्रु थे। हम सभी बिहिया प्रखंड शाहपुर विधानसभा वासी उनको सादर नमन करते हैं, आश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वाजपेयी जी से काफ़ी बार मिले भी हैं, जूता चप्पल आप त्याग कर दिए थे,
क्या वाजपेयी जी से आश्वासन मिला, क्या उनसे मुलाकात में कही आपने? वाजपेयी जी ने हम समरी में वही हम मिले थे और मौका मिला मंच पर उनके साथ बैठने के लिए, उभरी हमको परिचय मिला। और किसान बीच में उन्होंने कहा हम किसान के सुविधा दूंगा, किसान दियारा क्षेत्र विकास रूप में बोर्ड बनाऊंगा, मैंने किसान सुविधा हर एक सुविधा दे। किसानों के बारे में बहुत चिंता करते थे और गरीब मुखिया के बारे में चिंता करते थे, और हमको कहा कि आप आइए दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए हमारे मौका मिला। स्वामी तिवारी चौबे जी, चौबे जी लालमणि चौबे इधर एम पी बन रहे थे, और कुछ लोग पटना है राष्ट्रपति मिश्री वगैरह वगैरह, मैंने वो लोग साथ जाने के लिए मौका मिला। उसके डेरा पर हम गए मिलने के लिए, वो घारे पर थे, वो गए रावण राज समाप्त करने के लिए हम छोड़े थे, गए और हमको देखा, बोला कि यार मीठा दिया, मीठा दिया उसको, रहने वाले हमको मीठा दिया, पानी पियाया, पानी पिया कर आए, लौटा जी आए अपने एसी पहनकर बैठे, देखा हुआ उधारे पर, कहा कि आप उधारे पर कह रहते हैं, और हमारे गोल में देखा व्यवाज फटा, गली में गली में हमारे व्यवाज फट गया था। पूछा कि आप व्यवाज कैसे फट गए, कैसे चलते हैं? हम कहा कि रुक जा दो मिनट यार, कले रावण राज नहीं समाप्त होगा और बिहार में हमारे राम राज नहीं बनेगा, आपका सपना सपना पूरा नहीं होगा। हम लोग आपके पैर में किसने जूता पहना है फर्स्ट टाइम जब सरकार चेंज हुई तो? पहला नौ दिन में मौका वही पहना है, मानिए हमारे राष्ट्रपति मिशन ने जी आज हमारे बीच नहीं रहे, ये एक दुखद घटना है। एक राजनेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे जिन्हें हम लोग आज खो दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि वे विश्व में अपने देश का ऊंचा दर्जा दिलाने का, अपने देश का झंडा पूरे विश्व में ऊंचा लहराने का वे अथक प्रयास करते रहे। वे राजनेता से हटकर, राजनीतिक से हटकर हर पक्ष विपक्ष के नेताओं से देश की रक्षा एवं अखंडता के लिए हमेशा प्रयास करते थे। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।